हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स डे 4 और जस्ट अभी हम सो के उठे हैं और हमको आज राफ्टिंग करनी है। सो अभी ब्रेकफास्ट करेंगे, ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ा रेडी होके फिर हम निकलेंगे राफ्टिंग के लिए। हम जब लेट आए थे तो हमें कुछ विजिबल नहीं था अच्छे से, तो अब आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ से। सो गाइस, मैं आपको क्यों टूर कराता हूँ इस कैंपिंग का, लेट्स एंजॉय इट। सो गाइस, यहाँ पर सारे टेंट हैं, ये एक रो ही है, सेकेंड रो ही है और नीचे, और स्विमिंग पूल भी है यहाँ पे, और ये माउंटेन्स उत्तराखंड की। काफ़ी अच्छा व्यू, रात को कुछ इतना विजिबल नहीं था बट अभी सब कुछ अच्छा है। ये डाइनिंग एरिया है यहाँ का और यहाँ पर मॉनिफायर हुई थी रात को। ये वॉलीबॉल कोर्ट है यहाँ पे, गाइस यहाँ पे जैक फ्रूट का ट्री है। यहाँ पे वॉशरूम्स हैं, चले खाना खा लेते हैं ना। तो गाइस, जो हमारा कैंप लोकेशन है वो ऋषिकेश से 8 किलोमीटर की डिस्टेंस में है, और अभी जैसे अपने ब्रेकफास्ट करके थोड़ा सा बैडमिंटन खेला और अब हम नहाने जा रहे हैं। नहाने के बाद हम जाएंगे राफ्टिंग के लिए। राफ्टिंग टाइमिंग हमारी 10:30 अराउंड है, सो फिर राफ्टिंग करके निकलेंगे नैनीताल। जल्दी आ। सही जा रहे, सही जा रहे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग गाइस, सब फ्रेश हो गए नहा के? यस। ये तो बैग लगा के बैठ गए, देखियो। चलो उठ जाओ, चलो चलो बैग तो खोल दे। वी आर गोइंग फॉर राफ्टिंग गाइस, चलो। वी आर सुपर एक्साइटेड, जल्दी जल्दी आ जाओ शिवपुरी में। ठीक है भैया, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम। भैया ओके, नाइस टू मीट यू भाई। ठीक है भाई, लोगों मिलते हैं बाद में दोबारा, बाय। ठीक है भाई, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा भाई हमको यहाँ पे, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। थैंक यू, बिल्कुल बिल्कुल। कॉन्टैक्ट नंबर तो मिल गया आपको, हम कॉन्टैक्ट के स्टाफ का बहुत ही कोऑपरेटिव बिहेवियर था, और खाना तो सच में बहुत अच्छा था। जैसे डिनर में नॉन वेज और वेज दोनों था, चिकन और पनीर भी था साथ में, चावल राइस राइस और रोटी सब था, और ब्रेकफास्ट में परांठे थे। तो खाने से तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब किसी भी चीज़ से दिक्कत नहीं थी। कैंप भी अच्छा था, सब कुछ, टेंट भी अच्छा था, ऑल वाज वेरी गुड। सो अब हम जा रहे हैं राफ्टिंग साइड पे, तो मिलते हैं। तुम रख दिया सामान सारा? बस सब भाई, ऑल डन, सब सेट हो गया। जल्दी चल यार, बैठ जा। वाली सीट नहीं की मैंने, क्योंकि राफ्टिंग पे जाना है। ओके, डोंट जज मी, चलो चलते हैं। सुपर एक्साइटेड फॉर राफ्टिंग, और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मैंने कभी राफ्टिंग नहीं करी। ये जो कैंपिंग साइट है शिवपुरी में थी, ऋषिकेश से अप्रोक्स 8 किलोमीटर की डिस्टेंस में थी। सो गाइस, जब कभी भी आप यहाँ पे आ रहे हैं तो थोड़ा सावधानी से आइएगा, क्योंकि यहाँ पे ये पत्थर ऊपर से गिरते रहते हैं, लैंड स्लाइडिंग होती रहती है। तो रात को हमारी गाड़ी का एक पत्थर आ गया एकदम से। अभी एग्रीमेंट साइन कर दिया है कि हमें कुछ होगा तो वो जिम्मेदारी हमारी है। सबसे ज़्यादा डर लगता है इस बात से, फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ मैं राफ्टिंग, तो थोड़ा सा नर्वसनेस है कि पानी से थोड़ा फोबिया है मेरे को, और उनको तो वेरी हाई। वी आर रेडी फॉर रिवर राफ्टिंग, ये वाइट रिवर राफ्टिंग है, और वी आर सुपर एक्साइटेड। थोड़ा सा डर भी लग रहा है पर बाकी ठीक है भैया। ये भाई हमारे बड़े मजेदार आदमी है, भाई क्या नाम आपका? सो गाइस, हियर वी गो फॉर राफ्टिंग। कैप्टन शिवम, संजीव एंड निखिल। गाइस, वी रीच दैट राफ्टिंग लोकेशन, यहाँ से राफ्ट स्टार्ट होता है।
सो गाइस दीज आर अवर टीममेट्स, ये सब भाई गाजियाबाद से हैं, हम फ्रेंडशिप कर रहे हैं इनसे, ये हमें बचा लेंगे मुश्किल टाइम पे। उनकी स्विमिंग आती है, मेरे को उनको स्विमिंग नहीं आती। दिस इज इंडिविजुअल राफ्टिंग, इसमें ये सिंगल बंदा राफ्ट करते हैं, ये मैक्सिमम एक्सपर्ट्स लोग करते हैं। हम आ चुके हैं राफ्टिंग के लिए, ये हमारी बोट है और ये हमारे इंस्ट्रक्टर हैं। सो स्टार्ट कर रहे हैं राफ्टिंग। चलिए यहाँ देखेंगे पीछे सब, बोलो गंगे मैया की, लाउडली बोल रहे हैं गंगे मैया की। चलो भाई फॉरवर्ड ऑल टीम, लेफ्ट वाले पावर लगाओ, ओके स्टॉप, आगे ओके भाई भाई चलो फॉरवर्ड पास, ओके स्टॉप स्टॉप, चले भाई फॉरवर्ड ऑल फॉरवर्ड पास फॉरवर्ड पास, गाइस रास्ते में अभी राफ्ट पलट गई थी, मतलब पलटने वाली थी। हम टोटल थे 8 बंदे, उसमें से 3 बह गए थे, 5 नीचे थे। हम यहाँ रिफ्रेश होने के लिए खड़े हैं अब, बाकी तो मैच शिवम और संजीव बचे थे, बाकी जो थे 5 वो नीचे गिर गए। निखिल हाउज़ योर एक्सपीरियंस, नीचे गिरा कैसा लगा? मौत को छू गया से वापस। संजीव तू पैडल नहीं मारता भाई, ये इसकी वजह से भाई, इसकी वजह से गिरे हम, इसकी वजह से, सुन लो गाइस, इसकी वजह से गलत लैश को कल गाड़ी में पकड़ के जबरदस्ती हम लोग थे 8 लोग थे और उस 5 लोग बाहर बचे, कौन? मैं, आदित्य और संजीव। उसके बाद बहुत मुश्किल से कमांड संभाली है, वीडियो में दिखाएंगे आपको, देख ही लेना। यहाँ पे 40 रुपए की मैगी है और ये मैगी पॉइंट है। संजीव खा ले मैगी, क्यों? तो संजीव का पानी पी के पेट भर गया, दिखाएगा। बोलो गंगे मैया की। हल्ला नहीं भैया, बातें बंद। चलिए भैया फॉरवर्ड ऑल, एक भाई पैदल ऊपर से बोला, चला भाई
So guys, अब हम निकल चुके हैं नैनीताल की तरफ और शिवम और मैं सिर्फ जा रहे हैं, बाकी निखिल संजीव ट्रेन से आउट हो गया है। एक्चुअली निखिल का कैफे का सीन था और संजीव तो फिर घर वालों से जुड़ा। चलो कोई बात नहीं, सो हम निकल गए। So guys, we reached at मंगोली। ये नैनीताल से 10 किलोमीटर पीछे है और हम चले थे ऋषिकेश से अराउंड 5:30 और अभी अराउंड 10 टाइम चल रहा है, तो अभी हम मंगोली पहुंचे, यहाँ पे डिनर कर लेते हैं। एक्चुअली नैनीताल पहुंचेंगे तब तक सब बंद हो गया होगा, तो रास्ते में हमने यहाँ पे रुके हैं खाने के लिए शिवम और मैं। गाइस आज सुबह करी थी राफ्टिंग के बाद फिर उस ट्रैवल कर रहे हैं तो काफी थक गए हैं, तो बस अभी ऐसा था कि जल्दी जल्दी रूम पे पहुंचे और सो रहे हैं। कल भी लेट नाइट सोए थे और एडिटिंग वगैरह में टाइम लग गया था, सो बस अब जस्ट जाके होटल में सोएंगे। मिलते हैं सुबह, गुड नाइट। वी रीच एट नैनीताल और नैनीताल इज वेरी सिमिलर टू शिमला एंड मसूरी। जा रहे हैं अपने होटल की तरफ, होटल मेन नैनीताल से लोकेशन पे, तो बस काफी थक चुके हैं, अभी होटल में चेक इन करते हैं और फिर रेस्ट करते हैं।